गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10 के चौथे लेसन कार्बन और उसके यौगिकों का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल या शराब, फार्मूला होता है बच्चों C2H5OH या CH3CH2OH फार्मूला होता है, अंग्रेजी होता है इसका एथिल एल्कोहल। एथेनॉल, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एथिल एल्कोहल कैसे बनती है, अर्थात हम लोग बनाने की विधि पढ़ेंगे, बनाने की विधि। तो बच्चों हम लोग जान लें कि एथिल एल्कोहल कैसे बनता है। तो सबसे पहला तो हम यही जानेंगे बच्चों कि एथिल ब्रोमाइड पर जलीय की OH की क्रिया से एथिल एल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, एथिल ब्रोमाइड पर जलीय की OH या NaOH की क्रिया से एथिल एल्कोहल बनता है। इक्वेशन द्वारा दिखा रहे हैं बच्चों, C2H5Br यही आपका एथिल ब्रोमाइड है, जलीय के OH ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों, के OH, कैसा यह है, जलीय है, जलीय है ये के OH, कैसा बच्चों, जलीय है, अंग्रेजी AQUEOUS एक्वस हम ले रहे हैं। तो बन रहा है क्या बच्चों, यहाँ से C2H5 और यहाँ से OH, C2H5OH एथिल एल्कोहल बन गया। बच गया क्या बच्चों, KBr देखिए बन करके तैयार हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। दूसरा बच्चों समझिएगा, एथिल एसीटेट पर जल की क्रिया से या इस तरह से कहिए, एथिल एसीटेट का जल अपघटन करने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। दूसरा बच्चों, एथिल एसीटेट का जल अपघटन करने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। देख लें बच्चों इसको भी, जैसे एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है CH3COOC2H5, यही एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है, और इस पर H2O की क्रिया करा रहे हैं। तो गौर से देखिएगा बच्चों, H2O का फार्मूला यही होता है, क्लियर हो गया। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, HOH हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका जल है, क्रिया करा रहे हैं, तो क्या बनेगा बच्चों, यहां से C2H5 और यहां से OH, C2H5OH देखिए एथिल एल्कोहल बन गया। बचा क्या बच्चों, यहां से CH3COO+H, CH3COOH एसिटिक एसिड
बन गया। क्लियर हो गया बच्चों? इसी प्रकार से अगला बच्चों, हम एथिलीन का जल अपघटन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। तीसरा बच्चों, एथिलीन का जल अपघटन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसे हम इक्वेशन वगैरह देखते हैं बच्चों, गौर से देखिएगा। ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही हमारा एथिलीन है। अब इस एथिलीन का हम जल अपघटन करा रहे हैं HOH H2O, ये हमारा है। किसकी उपस्थिति में बच्चों? सांद्र सांद्र H2SO4 द्वारा। तो देखिएगा बच्चों, एक H जाकर के यहाँ जुड़ गया तो CH3 हो गया। अब गौर से देखिएगा, सिंगल बॉन्ड सी, अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा तो क्या बचा बच्चों? CH2। अब यहाँ से OH हम जोड़ देंगे OH, देखिए एथिल अल्कोहल बन गया। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसको आप लोग समझ में आया हो तो उतार लीजिए। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बाई फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन मेथड। बच्चों गौर से समझिएगा, किण्वन विधि द्वारा हम एथिल अल्कोहल बनाएंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि किण्वन कहते किसको है। किण्वन FERMENTATION, फर्मेंटेशन कहते किसको है, जरा गौर से समझिएगा बच्चों। फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन जो है एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन हो जाता है या टूट जाता है, तो उसे ही हम किण्वन कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो हम लिख रहे हैं किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा
सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन या टूट जाना अपघटन हो जाता है जिसे किण्वन कहते हैं। फिर बच्चों गौर से समझिएगा किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन हो जाता है या टूट जाता है, उसी को किण्वन कहते हैं। किण्वन का उदाहरण क्या है बच्चों? उदाहरण गौर से समझिएगा, किण्वन का उदाहरण शराब, पावरोटी, दही, पनीर, सिरका, बिस्कुट, आदि हैं। अर्थात बच्चों किण्वन विधि द्वारा शराब बनता है, पावरोटी बनता है, दही बनता है, पनीर बनता है, सिरका बनता है, बिस्कुट आदि बनता है। किण्वन विधि में बच्चों सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात किण्वन विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किण्वन विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गया बच्चों? किण्वन विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़े। अब बच्चों हम किण्वन विधि द्वारा सुक्रोज से शराब बनाएंगे या एथिल अल्कोहल बनाएंगे। सुक्रोज या चीनी या गन्ने के रस से C2H5OH का निर्माण किसके द्वारा बच्चों? सुक्रोज या चीनी या गन्ने के रस से एथिल अल्कोहल का निर्माण। बच्चों गौर से समझिएगा, सुक्रोज का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है बच्चों? C12H22O11, यही आपका सुक्रोज है, यही आपका क्या है बच्चों? सुक्रोज है। अब इस सुक्रोज पर हम जल अपघटन H2O का जल अपघटन करते हैं। कौन सा एंजाइम लेते हैं बच्चों? इनवर्टेस एंजाइम अर्थात यह एंजाइम क्या है बच्चों? यीस्ट है। क्या है? यीस्ट है। इनवर्टेस एंजाइम लेंगे तो यह परिवर्तित हो जाएगा C6H12O6 + C6H12O6, ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? ग्लूकोज बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? फ्रक्टोस बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम ग्लूकोज को ले रहे हैं। किसको ले ले रहे हैं बच्चों? C6H12O6 ग्लूकोज को हमने ले लिया।
अब इस ग्लूकोज पर जायमेस एंजाइम की क्रिया कराएंगे। किसकी क्रिया कराएंगे बच्चों? जायमेस एंजाइम, जायमेस लिखिए चाहे जो लिखिए बच्चों, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जायमेस एंजाइम, एंजाइम क्लियर हो गया। ये भी आपका क्या है? यीस्ट है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, गौर से देखिएगा, C2H5OH एथिल एल्कोहल बन गया प्लस CO2 बन गया। क्लियर हो गया, बैलेंस कर लिया जाए, बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? तो देखिए हमारा एथिल एल्कोहल बन गया, अर्थात सुक्रोज या चीनी या गन्ने के रस से एथिल एल्कोहल या शराब का निर्माण हमने कर लिया। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बच्चों स्टार्च से, किससे बच्चों? स्टार्च से C2H5OH का निर्माण किससे बच्चों? स्टार्च से। तो स्टार्च का फार्मूला क्या होता है बच्चों? हम जानते हैं, गौर से देखिएगा क्या होता है बच्चों, C6H10O6 का होलियन, यही स्टार्च का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला है बच्चों? स्टार्च का फार्मूला है। अब इसका भी ठीक इसी प्रकार से जल अपघटन कराएंगे, NH2 ले लिए बच्चों। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां हमने इनवर्टेस एंजाइम लिया था तो यहां हम स्टार्च का अपघटन कराने के लिए डायरेक्टेस एंजाइम लेंगे, डायरेक्टेस एंजाइम। क्लियर हो गया बच्चों? ये भी एक प्रकार का यीस्ट ही है। क्लियर हो गया, हमने ले लिया। तो क्रिया करा रहे हैं तो बनेगा क्या बच्चों? बनेगा यन सी 12H22O11 बनेगा। क्लियर हो गया। इसका नाम बच्चों माल्टोस है। क्या है बच्चों? माल्टोस। क्लियर हो गया, माल्टोस बन गया। क्या बन गया बच्चों? माल्टोस बन गया। अब इस माल्टोस से हम क्या प्राप्त करेंगे बच्चों? ग्लूकोज प्राप्त करेंगे, अर्थात यन C12H22O11 लेकर के इस पर NH2 की क्रिया कराएंगे। अब यहां कौन सा एंजाइम लेंगे बच्चों? माल्टेस एंजाइम लेंगे। कौन सा एंजाइम लेंगे? माल्टेस एंजाइम। क्लियर हो गया, या हम डायरेक्टेस एंजाइम भी लिख सकते हैं, डायरेक्टेस एंजाइम। क्लियर हो गया बच्चों? तो बनेगा आपका, गौर से देखिएगा, बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 आपका बनेगा, अर्थात ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। फिर इसमें से हम ग्लूकोज को ले लें, C6H12O6। क्लियर हो गया बच्चों? ले लिया। अब गौर से देखिएगा, ये क्रिया हम ऊपर करा चुके हैं। कौन सा एंजाइम है बच्चों? जायमेस एंजाइम। तो हम जायमेस एंजाइम ले लें, जायमेस लिखिए चाहे जायमेज लिखिए बच्चों, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जायमेस एंजाइम हमने ले लिया। तो क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चों? 2C2H5OH प्लस 2CO2। देखिए बच्चों एथिल एल्कोहल बन गया। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है तो एक बार और बच्चों हम आपको समझा दे रहे हैं, गौर से देखिएगा। जब भी हम सुक्रोज की क्रिया कराएंगे, किसकी क्रिया कराएंगे? सुक्रोज की, तो उस समय जो हमारा एंजाइम होगा अर्थात यीस्ट होगा, इनवर्टेस एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम होगा बच्चों? इनवर्टेस एंजाइम होगा। और जब भी बच्चों हम स्टार्च लेंगे, क्या लेंगे? स्टार्च लेंगे, तो उस समय जो हमारा एंजाइम या यीस्ट होगा वह हमारा क्या होगा बच्चों? डायरेक्टेस होगा। हमको यही याद रखना है। इस तरह से
एल्कोहल बनाने की विधि आपकी समाप्त हुई। थैंक यू।